हेलो फ्रेंड्स, कुक विद द रक्षा चैनल पर मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए हम सब लेकर आए हैं बहुत ही शानदार ड्राई वेज मंचूरियन की रेसिपी। और इस रेसिपी की डिमांड मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड ने करी थी और ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग थी, तो हमने कहा इसे जल्दी कम्प्लीट करते हैं। और ये बहुत शानदार बनती है दोस्तों, इसे टेस्ट करके देखते हैं ये कैसा बना हुआ है। ये पीस मैंने एक लिया है, इसको टेस्ट करते हैं। शानदार दोस्तों, अंदर से बहुत सॉफ्ट है, मज़ेदार बना हुआ है, क्रंचनेस भी इसमें जल्दी मज़ा आ गया। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मंचूरियन। ये हमने पत्ता गोभी ली है जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। ये लार्ज साइज की है, मैं इसका हाफ ले लेती हूँ। हम इस साइड का ले लेते हैं और इसे ग्रेट कर लेते हैं। मैं कैबेज को ग्रेटर से ग्रेट कर लेती हूँ, आपको भी इसी तरह से ग्रेट कर लेना है। ये देखिए, मैंने पत्ता गोभी को ग्रेट कर लिया है। कप से मेजर करने पर ये 2.5 कप है। कुछ लोग इसे मिक्सर में चलाना आसान समझते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मिक्सर में चलाने से पत्ता गोभी थोड़ा वाटरी हो जाता है। तो यहाँ पर या तो हम इसका एक्सेस वाटर निकालें या फिर इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदे का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दोस्तों, कैबेज से हमें विटामिन सी, विटामिन ए और आयरन मिलता है जो हार्ट और कैंसर जैसी बीमारियां और आँख की रोशनी कम होने से बचाता है, इसलिए हमें इसका एक्सेस वाटर नहीं निकालना चाहिए। शिमला मिर्च को आप स्ट्रिप्स के फॉर्म में भी कट कर सकते हैं, मैं इसे क्यूब फॉर्म में कट कर रही हूँ। दोस्तों, हम इसे यहाँ पे बड़े बड़े क्यूब्स की शेप में कट कर रहे हैं, आप इसके छोटे छोटे क्यूब्स भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप तीनों कलर की शिमला मिर्च का यूज करें, आप सिर्फ ग्रीन शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हरी मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ। स्प्रिंग अनियन को भी फाइनली चॉप कर लेती हूँ। 24 से 25 लहसुन की कलियां ले रखी हैं और एक मीडियम साइज की प्याज, इन्हें भी फाइनली चॉप कर लेती हूँ। ये देखिए, हमारी प्याज फाइनली चॉप हो चुकी है। अब मैं इन्हें अपनी प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब गार्लिक को भी फाइनली चॉप कर लेते हैं। अगर गार्लिक का फ्लेवर कम पसंद है तो गार्लिक को थोड़ा कम कर सकते हैं, और नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप इसे जितना बारीक कर सके उतना बारीक कर लें। सभी चीज़ों को चॉप कर लिया है, तो चलिए अब वेज मंचूरियन को बनाना स्टार्ट करते हैं। ग्रेट की हुई पत्ता गोभी में मैं ऐड करती हूँ 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने काली मिर्च पाउडर ले रखा है, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। वेज मंचूरियन की बॉल्स की अच्छी बाइंडिंग के लिए इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 3 टेबल स्पून मैदा। इसको थोड़ा थोड़ा कर ऐड करेंगे और इन्हें अच्छे से मिलाएंगे। ये देखिए, डो हमारा तैयार हो चुका है। और अगर आपके डो में अच्छी बाइंडिंग ना आई हो तो आप इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टेबल स्पून मैदे का इस्तेमाल कर डो को तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैं अपनी सभी मंचूरियन बॉल्स को तैयार कर लेती हूँ। डो बनाने के बाद इसे रखना नहीं है क्योंकि आपने इसमें नमक का यूज़ किया है और नमक को मिलाने के बाद पत्ता गोभी पानी छोड़ने लगता है, इस वजह से इसकी बॉल्स बनाकर फ्राई कर लेना है। सभी मंचूरियन बॉल्स तैयार हो चुकी हैं, तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। चलिए चेक करते हैं कि हमारा ऑयल गर्म हुआ है या नहीं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो चलिए अपनी मंचूरियन बॉल्स एक एक कर डाल देते हैं। मंचूरियन बॉल्स को ऑयल में डालने के बाद तुरंत इसको टच नहीं करना है, 1 मिनट तक छोड़ देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म किया है। मंचूरियन बॉल्स को मैं मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर रही हूँ ताकि हमारी मंचूरियन बॉल्स अच्छे से फ्राई हो सके और बाहर से क्रिस्पी हो जाएं। मुझे इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। मुझे इन्हें फ्राई करने में 6 से 7 मिनट लगे हैं। ये देखिए, ये फ्राई हो चुके हैं। ये अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी है। इसी तरह से मैं अपनी बाकी की बॉल्स को भी फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए, हमारी सभी मंचूरियन बॉल्स फ्राई हो चुकी हैं। अभी ये काफ़ी क्रिस्पी हैं, पर जब ये ग्रेवी में जाएंगी तब ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। ग्रेवी को बनाने के लिए मैंने ले रखा है 3 टेबल स्पून ऑयल
ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड करूंगी अपने चॉप किए हुए गार्लिक। मुझे इन्हें ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा सौते करना है ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 30 सेकेंड सौते करने के बाद इसमें ऐड कर देते हैं अनियन और इसी के साथ अपनी ग्रीन चिली को भी ऐड कर देते हैं और इसको भी थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है और इन्हें मीडियम फ्लेम पर कर रही हूँ। प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है और अब इसमें अपनी तीनों कलर की शिमला मिर्च को भी ऐड कर देते हैं। ये देखिए ये कितनी अच्छी लग रही हैं। बस शिमला मिर्च को इतना ही पकाना है कि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और इनका जो क्रंचपन है वो भी बना रहे, और इनको ऐड करने के बाद इनको बराबर चलाते रहना है ताकि जो लहसुन और प्याज है वो जलने ना लगे। मैंने तकरीबन 2 मिनट तक शिमला मिर्च को सौते कर लिया है। अब इसमें अपनी सभी सॉस को भी ऐड कर देते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, इसे मिक्स कर लेते हैं। मैंने गैस की फ्लेम को इस टाइम लो कर दिया है। 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप, 1/2 टीस्पून नमक। नमक मैंने इसलिए कम लिया है क्योंकि सॉस में नमक होता है, आप बाद में टेस्ट करके भी डाल सकते हैं। मैंने सभी सॉस को अच्छे से मिक्स कर लिया है। सॉस को ऐड करने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है। दोस्तों सॉस की क्वांटिटी का सही प्रपोर्शन अगर हम वेज मंचूरियन में डालते हैं तो ये हमारे वेज मंचूरियन के टेस्ट को फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त बढ़ा देता है। अब इसमें ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर। उसका घोल तैयार कर लेती हूँ। घोल बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून पानी का इस्तेमाल किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा कर ऐड कर देती हूँ। ऐड करने के बाद मैं 2 टेबल स्पून पानी का इस्तेमाल किया है ताकि ग्रेवी अच्छे से पक जाए और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए हमारा कॉर्नफ्लोर भी अच्छे से पक चुका है और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चॉप की हुई स्प्रिंग अनियन। ये देखिए हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब इसमें डाल देते हैं मंचूरियन बॉल्स को और इसे ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। बॉल्स को ऐड करने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पर तकरीबन 2 मिनट तक पका लेती हूँ। हमारी कलरफुल यमी वेज मंचूरियन बिल्कुल तैयार है, तो चलिए इन्हें सर्व करने के लिए अपने बोल में निकाल लेती हूँ। दोस्तों आपने कई बार रेस्टोरेंट में वेज मंचूरियन खाया होगा और अगर आप हमारी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए बनाएंगे तो यकीन मानिए आपको रेस्टोरेंट से बेहतर वेज मंचूरियन घर पर खाने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे ड्राई वेज मंचूरियन की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।